एक मिनट यहाँ से कूदना पड़ेगा मेरे को। ओके, अरे यार मैं गलत हल्का सा गलत कूद गया हूँ, बट कोई नहीं, मेरे को उस वाली शिप के अंदर बैठना है। और अभी गाइज मेरे को जाना है एक बंदे के पास जो इस शहर का सबसे ज्यादा अमीर आदमी है, और ट्रेवर उसके पास जाएगा अभी। और ट्रेवर को उसने कुछ काम दिया, मतलब कॉल करके बुलाया, और उसका घर गाइज समुद्र के बीचों बीच है। तो मेरे को ना ये बोट लेके जानी पड़ेगी, क्योंकि उसके पास तो खुद की प्राइवेट बोट है, मेरे पास तो कोई प्राइवेट बोट नहीं है, तो मैं इस वाली बोट में जा रहा हूँ। चलो, यहाँ पे बोट्स खड़ी रहती है, तो इस वाली बोट को मैंने रेंट पे करा और लेके जा रहे हैं अपन इसको, और सीधा सामने की तरफ मिलते हैं उसके घर के पास पहुंच के। तो गाइस उसका घर ये है, एकदम बीचों बीच पानी के बना रखा है भाई अगले ने। कैसे रहता होगा मेरे को यहाँ नहीं पता, अगर कहीं इसका पानी का लेवल अगर थोड़ा सा हाई गया तो इसका घर ना डूब जाए। तो गाइस ये है इसकी आर्मी, और यहाँ पे इसकी सिक्योरिटी काफी अच्छी है। और बाकी तुम लोग बोल रहे थे गाइस नई गाड़ियां नहीं आ रही है, तो नई गाड़ियों की तो हमारे पास एक डीलर मिल गया है। वैसे हमारे पास काफी ज्यादा नई गाड़ियां आ चुकी हैं, ये रोल्स रॉयस, ये वाली मस्टैंग जीटी, कॉन्जेंस एगेरा एंड लैम्बोर्गिनी, एंड एक और गाड़ी है गाइस बीएमडब्ल्यू i8, ये भी बहुत फेमस गाड़ी है। अभी इन सभी गाड़ियों की ना डीलिंग इसी बंदे से लेने वाला हूं मैं, इन सभी गाड़ियों की। फिलहाल के लिए एक और रोल्स रॉयस भी है, और यहाँ पे मर्सिडीज जी वैगन भी है। भाई इतनी प्यारी प्यारी गाड़ी लेकर आया है ये बंदा, मैं कैसे बताऊं। बस अब यार, अब ना इसने मेरे को जिस काम के लिए बुलाया जरा वो करके आता हूं मैं। इसकी जी वैगन में एक बार बैठ के देखे गाइस इसकी आवाज कैसी है, मेरे को एक बार सुनने का मन कर रहा है इसकी आवाज। चलो एक बार बैठ के देखते हैं। बाकी गाइस ये वाली गाड़ी ना मेरे को बहुत अच्छी लगती है, इसको अगर क्रोम कलर में करा दिया जाए ना भाई, इतनी ज्यादा प्यारी लगेगी ना ये कार, बहुत ज्यादा। तो एक काम करता है, इस गाड़ी मैंने बंद कर दिया, अब इसके पास चलते हैं सीधा, और वहां पे ऊपर गिटार बजा रहा है, इसे गिटार बजाने का काफी शौक है, इसने पहले भी मुझे बता रखा है। तो अभी इसके पास जाता हूं मैं और पूछ के आता हूं कि इसे क्या काम है मेरे से। तो वैसे ना मेरे पास ना अभी कुछ भी नहीं है गाइस, ड्राइवर के पास अभी कुछ नहीं है, ड्राइवर अभी नया नया बन रहा है। माइकल एंड फ्रैंकलिन के पास तो बहुत कुछ है चलो, बट ड्राइवर के पास अभी कुछ भी नहीं है, ना गन्स है, ना गाड़ियां है, ना कुछ है। तो अभी मेरे पास अभी सीधा मेरे को इस बंदे के पास जाना है और इससे बात करनी है कि इसको मेरे से क्या चाहिए। ओके, इसकी दीवार में गन भी लगी है, वाह भाई इतनी बड़ी केज भी है भाई साहब इसके पास, सही है। यहाँ पे गाना बजा रहा है, भाई साहब गाना बंद करोगे प्लीज आप। चलो, तो ये बंदे ने अब कर दिया है गाना बंद, और यहाँ पे सिगरेट पीते हुए मेरे को बताया इसने गाइस कि इसका ना एक दुश्मन है जो हमारे शहर में रह रहा है, और वो इसका काम रुकवा रहा है, बहुत सारा काम रुकवा रहा है। तो इसने मुझे सुपारी दी है, मतलब मेरे को बाउंटी दी है उस बंदे की, कि अभी मेरे को उस बंदे को अगर मैंने मार दिया, मतलब वो बंदा रहता है माइकल के फेवरेट हाउस में इस टाइम, अभी माइकल है नहीं इस शहर में, तो इसलिए मेरे को ना अभी ट्रेवर को बोला है कि अगर तुमने उस बंदे को ये क्या था भाई, गमला था, मैंने सोचा कुछ और ही है गाइस। तो अगर तुमने उस बंदे को मार दिया तो मैं तुम्हें एक तुम्हारी पसंद की जो भी इन चारों में जितनी गाड़ियां सामने खड़ी थी उनमें से कोई भी एक गाड़ी पसंद करके तुम ले जा सकते हो फ्री में। और एक और चीज देगा मेरे को, वो है इसका एक खुद का अपार्टमेंट देगा गाइस जो इसके पास है, जो हमारे शहर के अंदर ही है। और मेरा तो मन है सच में जी वैगन लेने का भाई, इसको मैं बहुत अच्छी मॉडिफाइड कर सकता हूँ गाइस। आप लोग बताना इसमें से कौन सी गाड़ी मुझे लेनी चाहिए थी। बाय द वे मैं सिर्फ एक ले सकता हूँ, सिर्फ एक, बाकी की तो मैं धीरे धीरे पैसे कलेक्ट कर करके तब लूंगा, ऐसे नहीं ले पाऊंगा गाइस मैं। तो अभी चलते हैं गाड़ी में बैठ के सीधा वहां पर जिसे मेरे को मारना है, और उसके चक्कर में ना गाइस मेरे को गाड़ी मिल रही है, वो बहुत बड़ी बात है। एक छोटा सा बंदा ही होगा, और कितना बड़ा बंदा होगा। वैसे ना माइकल ने बताया तो था उस घर में जितने बंदे रहते हैं ना, उस सारे के सारे काफी ज्यादा डेंजर है, बट मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं तो मारने जा रहा हूँ बिल्कुल अच्छे तरीके से। गाइस मैं आ चुका हूँ सीधा अपने वाले एरिया में, और अपने एरिया में गाइस मैं जा रहा हूँ सीधा अपनी गाड़ी के पास जिधर मैंने मेरी कार पार्क करी थी, और यहाँ पे मेरी लैंड क्रूजर पार्क है। अब इसको लेके जाना पड़ेगा अपने उस दोस्त के घर जिसके पास गन्स का बहुत ही ज्यादा सामान रहता है। मेरे पास गन्स नहीं है ना गाइस, एक भी गन नहीं है मेरे पास, तो मेरे को अभी गन्स लेने जाना है उसी बंदे के पास जिसके पास सबसे ज्यादा गन है इस शहर में। तो लेट्स गो, अभी मेरे को उसी के पास जाना, और यहाँ से ज्यादा दूर नहीं रहता, बिल्कुल भी दूर नहीं रहता, बहुत पास रहता। और ये वाली लैंड क्रूजर ना लिटरली मैं सारी गाड़ियां बेच दूंगा, लेकिन ये लैंड क्रूजर कभी नहीं बेचूंगा गाइस, मेरी फेवरेट कार है। आपको बताना गाइस कैसी लगी गेम, तो मेक श्योर है नीचे दिए हुए लाइक के बटन को दबाना मत भूलिएगा सभी के सभी। अभी मैं जा रहा हूँ सीधा उस बंदे के पास जो मेरा दोस्त है, वो रहता है नीचे की साइड पे ही, इधर ही रहता है पास में, और वो नीचे की साइड रहता है। तो यहाँ पे उसका घर है, अपने को यहाँ पे गाड़ी खड़ी करनी है गाइस, इस जगह पे गाड़ी खड़ी करनी है, और सीधा चलते हैं ऊपर की तरफ, लेट्स गो। एक मिनट, अभी यहाँ से चलते हैं पीछे की साइड से। तो गाइस मैं पीछे की साइड से घर में आ तो चुका हूँ, और यहाँ पे उसकी कुछ तो गन्स यहाँ पे पड़ी हुई है, बंदा घर में नहीं है,
मैंने उसे कॉल करके बात करी तो उसने बोला जो गन तेरे को चाहिए उठा के, अरे यार शीशा फोड़ दिया, आप तो डांटेगा वो मेरे को, बट कोई नहीं, उसने बोला जो गन उठानी है उठा के ले जाओ, तेरे को जैसा जो एमओ चाहिए तो उठा ले जा। तो गाइस वहां पे जितनी एमओ पड़ी थी वो मैं उठा लाया, 9000 एमओ मेरे पास कुछ है, और इस टाइम मैंने एक गन तो उठाई है, AKM उठाई है गाइस, मैंने दो गन नहीं उठाई क्योंकि मैंने सिर्फ एक गन के पैसे दिए उसे इसलिए। तो चलो अभी हम सीधा चलते हैं उस बंदे के पास जिसे हमें मारना है। वैसे उस बंदे ने अभी तक तो मेरे को उस बंदे की फोटो नहीं दिखाई है, उसने बोला है जैसे तुम उसे मार दोगे ना तो उसकी फोटो क्लिक करके मेरे व्हाट्सएप पे सेंड कर देना एंड सीधा मेरे को पता लग जाएगा कि तुमने मार दिया और मेरे पास तुम आके अपना अवार्ड ले सकते हो। तो गाइज मैं अभी जा रहा हूँ सीधा उस बंदे को मारने, लेट्स गो गाइज। अब डायरेक्ट हम पहुंचते हैं उसी के घर के पास। तो गाइज आ चुके हम उस बंदे के घर के पास और यहाँ पर मेरी गाड़ी भगा, ये देखो भाई साहब इन लोगों को मारने में ना बहुत मजा आने वाला है मैं बता रहा हूँ। ओके, काफी ज्यादा लोग हैं, इन सभी को मारने, एक सेकंड मैं मार दूंगा सबको मार दूंगा, इजी है, एक को भी नहीं छोड़ना गाइस, एक को भी नहीं छोड़ना। वैसे यहाँ पे काफी ज्यादा लोग तो मर ही चुके हैं वैसे भी। ओ भाई साहब आपस में गोलियां लग गई क्या इन लोगों को? अबे भाई इन लोगों ने गलती से हल्की फुल्की गोलियां आपस में मार ली है, बट मैंने इतनी दूर दूर का बंदा भाई क्या मारा है ना, अच्छे मतलब है, ठीक है, एम अच्छा नहीं है इन लोगों का, इतना तगड़ा एम तो नहीं है, बट कोई बात नहीं गाइस। मेरे को लग रहा है ना इस बंदे की पूरी आर्मी नहीं है क्योंकि इस घर में जो भी बंदा रहता है ना उस वो बहुत ही ज्यादा, अरे के भाई साहब यहाँ पे खड़ा है चुपचाप एकदम, पता भी नहीं रहा है, भर दिया गाइस मैंने इसको भी। यहाँ पे सारे के सारे बंदे मर चुके हैं तो मेरे को अब घर के अंदर जाना पड़ेगा, लेट्स गो गाइस। घर के अंदर वो बंदा बैठा होगा तो मेरे को सबसे पहले घर के अंदर जाना है, तो जल्दी से घर के अंदर चलते हैं और उसके बाद देखते हैं कि क्या होने वाला है। अबे ये बैठे, ओए यहाँ पे ये सारे के सारे, अरे उसके टांग में भी गोली लग गई है, ये तो मेरे को गोली मारने ही वाला था, बच गया भाई साहब मैं। चलो गाइस मैंने यहाँ पे सारे के सारे बंदे डेड कर दिए हैं और वो जो बंदा था जिसको मेरे को मारना था उसको भी मैंने मार दिया, और एक गोली, एक मिनट यहाँ पे उसकी गोली टांग में लगी है, बट यार इसके अब मैं माथे पे मार नहीं सकता, तो एक काम करते हैं उसको फोटो भेज देता हूँ मैं इस चीज की, उसके बाद मैं मार के निकल जाऊंगा यहाँ से। रुक जाओ पहले मैं इसको एक बार फोटो खींच के भेज देता हूँ इस बंदे की। ओके गाइस तो मैंने इसकी फोटो क्लिक कर लिया है, अब मैं उसको सेंड कर देता हूँ सीधा अपने उसी बंदे को जिसने मेरे को इस बंदे की बाउंटी दी थी, और उसके बाद गाइस बाउंटी मिल गई है मेरे को जब मैंने पैसा पूरा कंप्लीट कर दिया है, अब मेरे को सीधा उस बंदे के घर पे। अरे यार ये क्या हो गया, कैमरा खुल गया दोबारा से अचानक से, बट चलो अब हम चलते हैं सीधा उस बंदे के घर पे, बट लेकिन इस बार गाइस मैं अकेला नहीं जाने वाला, इस बार मैं फ्रैंकलिन को लेके जाऊंगा अपने साथ, क्योंकि यार देखो हो सकता है कि वो मुझे मार के खुद ही समुंदर में फिकवा दे, तो इसलिए मैं फ्रैंकलिन को लेके जाऊंगा। फ्रैंकलिन के पास काफी ज्यादा गन्स है, काफी अच्छा एम है उसके पास, तो इसलिए मैं फ्रैंकलिन को अब लेके जाने वाला हूँ। तो यहाँ से हम फ्रैंकलिन को कॉल कर देंगे और सीधा उसे एक अपने घर के पास बुला लेंगे, तो सीधा उसे अपनी गाड़ी में बैठा के ले जाएंगे सीधा, लेट्स गो गाइस। और जिसने अभी तक लाइक का बटन नहीं दबाया तो जल्दी जल्दी सभी के सभी दबा देना। और अरे अरे यार मैं कॉल मिला रहा था, मेरा हैंडल एक हाथ पे है ना, एक हाथ पे हैंडल चला रहा हूँ, लेट्स गो। तो गाइस मैं फ्रैंकलिन को लेके आ चुका हूँ और यहाँ पे उसी वाले ब्रिज पे जिस ब्रिज से हमें सामने की तरफ जाएंगे तो उस टापू पे उसका घर पड़ेगा, तो लेट्स गो यहाँ से कूदता हूँ मैं। गाइस मेरे को ना यहाँ पे रेंट की ये जो बोट लेके जानी पड़ रही है ना ये थोड़ी सी दिक्कत करती है, रेंट की बोट लेके जानी पड़ेगी, तो यहाँ पे मैंने गाड़ी में बैठ गया हूँ, वैसे बोट के अंदर बैठ गया हूँ, अभी फ्रैंकलिन भी बैठ रहा है बोट के अंदर, इसको भी बैठने देते हैं, फिर गाड़ी यहाँ से भगाएंगे और सीधा चलते हैं उसी टापू पे जिस टापू पे वो बंदा रहता है। उस बंदे ने बोला है तुम अपनी पसंद की गाड़ी और अपने पसंद का एक फ्लैट ले सकते हो, तो गाइस मैं अभी उधर ही जा रहा हूँ, लेट्स गो, बहुत प्यार से अब मजा आएगा ना, अब देखते हैं वो बंदा मेरे को घर देता है या नहीं देता है। वैसे गन मेरे हाथ में पड़ी है, जेब के अंदर ही है, वैसे अपने कमरे में अकेला बैठा रहता है, अगर उसने मना करा तो सीधा उसके टांट पे गोली मार के यहाँ से निकल जाऊंगा। फ्रैंकलिन भी आया है मेरे साथ तो मेरे को कोई डरने वाली बात तो है नहीं गाइस। तो मैं आ चुका हूँ इसके घर में, अभी भी सिगरेट पी रहा भाई, कितनी सिगरेट पीता है यार, इसने चार बीड़ी चार बंडल सिगरेट पी ली, मतलब होता है ना वो। तो गाइस अभी मेरे को जरा सा यहाँ पे इसने बोला है कि चाबी पड़ी है तो तुम इसे ले जा सकते हो, तो गाइस मैं चाबी लेकर पहुंच चुका हूँ, गाड़ी की चाबी तो मेरे को मिल गई थी और घर की चाबी भी उसने दे दी, और यहाँ पे ट्रेवर के पास ना इस टाइम घर भी नहीं है, कुछ भी नहीं था, तो ट्रेवर ने हल्की सी मेहनत करी और यहाँ पे उसे गाड़ी भी मिल चुकी है, घर भी मिल चुका है। अब ये गाड़ी उतार के हमने जमीन पे लगा दिया और यहाँ से इसे लेके जा रहे हैं सीधा उसी वाले फ्लैट पे। और गाइस आपको ये कार कैसी लगी मेरे को बताना जरूर, और आप ये भी बताना मेरे को सभी के सभी, मेरे को उनमें से कौन सी गाड़ी है जो लेनी चाहिए थी आप सभी मेरे को बताना गाइस, उस गाड़ी का नाम मैंने सबका बता दिया वैसे, आप सभी मेरे को बता सकते हो कमेंट में। और गाइस आपको गेम अगर पसंद आया हो तो मेक श्योर है नीचे दिए हुए लाइक के बटन को दबाना मत भूलिएगा सभी के सभी मेरे भाइयों। अभी मैं जा रहा हूँ सीधा अपने फ्लैट पे जो मेरे को मिला है, वैसे अब मेरे नाम पे हो चुका है गाइस, वो ट्रेवर के नाम पे हो चुका है, उसने वहां पे साइन कर दिया था, तो अभी मैं जा चुका हूँ और यहाँ पे ये रहा गाइस, यहाँ पे ही है अपने घर के पीछे, मतलब इधर से निकलना पड़ेगा मेरे को, यहाँ से गाड़ी लेफ्ट लेनी है,
और उसके बाद मेरे को मिल जाएगा सीधा वो फ्लैट, और उसके अंदर जाके तो मैं दिखाऊंगा कि वो फ्लैट कैसा दिख रहा है आजकल। आजकल क्या, मेरे पास एक भी घर नहीं था भाई, ट्रैवल पे एक भी घर नहीं था, उससे अच्छा एक घर मिल गया वो बड़ी बात है। गाड़ी तो चलो कोई बात नहीं, गाड़ी तो अपने को मिल ही जाती कहीं ना कहीं से। तो अभी मैं जा रहा हूँ उस फ्लैट के अंदर डायरेक्ट, और देखते हैं गाइस कि कैसी होने वाला है वो फ्लैट। भाई साहब मैं तो पहली बार जा रहा हूँ। वैसे पता है उसकी हर गाड़ी के नंबर प्लेट पे गाइस एक ही चीज़ लिखी है, डॉन, पता नहीं कहाँ का डॉन है। तो कोई बात नहीं, अभी ड्राइवर का देखते हैं, मूड खराब हुआ तो उसे भी फोड़ देंगे और गाइस सारी गाड़ियाँ छीन लेंगे। भाई साहब उसके पास गाड़ियों जो है ना, जो जो कार थी ना भाई, मज़ा आ गया उसके पास वो कार देख के। बहुत एक्सपेंसिव कार है गाइस, अभी तो मेरी अफोर्डेबल नहीं है, मतलब अभी तो मैं खरीद नहीं सकता, बट हाँ जरूर एक टाइम पे खरीद लेंगे। तो गाइस इस टाइम फ्रैंकलिन और ट्रेवर जाने वाले हैं उसके दिए हुए घर के अंदर, जो उसने मेरे को अभी अभी फ्लैट दिया है, और फटाफट से मेरे को ना घर के अंदर जाना है। फ्रैंकलिन ने पीछे पीछे भाग के आ रहा है। चलो गाइस चलो सीधा हम चलते हैं अंदर फ्लैट के और देखते हैं कि अंदर क्या। ओ भाई साहब घर तो काफी अच्छा लग रहा है गाइस, घर काफी अच्छा है सच में। फ्रैंकलिन मेरे से पहले कैसे पहुंच गया यहाँ पे। चलो भाई घर काफी ज्यादा मस्त लग रहा है भाई देख के, और ट्रेवर इतने बड़े घर में रहेगा भाई साहब। इसके पास बहुत छोटा घर था गाइस, बहुत ही ज्यादा छोटा घर था, बट लेकिन अब इसके पास काफी ज्यादा बड़ा घर है। सिर्फ एक सिंगल मिशन किया है, मतलब एक बाउंटी लिया है, और यहाँ पे ना अभी हजारों बाउंटी। ओके इतना बड़ा ऑफिस, आए हाय मजा आ गया गाइस। अगर आपको घर पसंद आया तो मेरे को बताना जरूर कमेंट में, और गाइस जिसको भी गेम पसंद आती है तो नीचे दिए हुए लाइक के बटन को दबाना मत भूलिएगा सभी के सभी। अभी हम डायरेक्ट जाने वाले हैं बेडरूम, तो भाई साहब क्या ही व्यू मिल रहा है बेडरूम के बाहर से। तो गाइस ये वाला मिशन यहाँ पे एंड होता है, अब नेक्स्ट मिशन आएगा वो बहुत ही ज्यादा मस्त होने वाला है। अभी मेरे को पुलिस आर्मी, मतलब जो पुलिस है उससे फाइट लेनी है, और माइकल भी आने वाला है नेक्स्ट मिशन में।